मथुरा के गोवर्धन रोड स्थित एक विशाल सभागार में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सिकरवार ने छाता नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन राजपाल सिंह को भाजपा की सदस्यता उनके हजारों समर्थकों के बीच दिलवाई। साथ ही उनके साथ सैकड़ों समर्थक, जिसमें क्षेत्र के पूर्व प्रधान एवं कई अन्य वरिष्ठ सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान चौधरी लक्ष्मी नारायण, नरेंद्र सिंह सिकरवार एवं कमर मानवेंद्र सिंह ने नगर पंचायत छाता के पूर्व चेयरमैन राजपाल सिंह को माल्यार्पण कर एवं दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की रसीद देकर सदस्यता ग्रहण कराई, जिसके बाद इन तीनों नेताओं ने मंच पर पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत छाता राजपाल सिंह के भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। अब समय चल रहा है इसका, पहले से मन काफी था पर समय नहीं मिल पाया, जो ऊपर वाला चाहता तब ये काम होता है। अगर ऐसी कौन सी वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के आप यहाँ पार्टी में शामिल हुए? अब से पहले आपने दो बार नगर पंचायत छाता का प्रतिनिधित्व किया है, आप खुद सारी चीज़ों से वाकिफ हैं। नहीं, पहले मैंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा था, मैंने किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। अब मैंने एक मुख्य चीज़ जो 370 धारा जो टूटी उससे प्रेरित होकर और जो जो अच्छे काम हो रहे हैं, मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर भाजपा ज्वाइन करने की मैंने मन बनाया और हमारे सभी साथियों ने सहयोग दिया। अध्यक्ष नगर पंचायत श्री राजपाल सिंह जी और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें लोक दल के भी, कांग्रेस के भी, अन्य दलों के लोग हैं, BSP के, उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम हृदय से उनका सबका स्वागत करते हैं और इस समय राष्ट्रवाद के महायज्ञ में प्रत्येक भारतवासी अपनी आहुति दे, ये अपेक्षा करते हैं। और इस समय एक राष्ट्रवाद की बयार बह रही है, जिसमें प्रत्येक भारतवासी पूरे विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहता है। तो आज जो भी हमारे राजपाल सिंह जी के और इनके साथ सदस्यता ग्रहण की है BJP की।